समय देने के पहले आपकी आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके हैबिट क्या है, आपका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब आप इन पर पहले विचार करेंगे तब आपकी आगे की प्रवृत्ति या स्वभाव आपका बनेगा। कई बच्चे सोचते हैं कि हैबिट कोई माने रखती है, अपन मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करना करना है, नहीं करना तो नहीं करना। जब इच्छा पढ़े पढ़े, ध्यान टाइम में पढ़ोगे, सुबह रात में आप याद करोगे, सुबह उसको लिखे आओगे, इसके बाद उसे भूल गया। तो ऐसा अगर पढ़ाई हमको करना है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जीवन में कभी काम आने वाली नहीं। यू मग इन द नाइट एंड वो इन द मॉर्निंग, नो मीनिंग इन योर लाइफ। पढ़ाई को इंजॉय करें। कोई भी काम, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और उसमें जब रन बनाना होता है दौड़ते हैं, खूब ताकत से दौड़ते हैं ताकि आप लोग को आउट ना कर पाए, ऐसी है ना। बॉल को जब हिट करते हैं कोशिश करते हैं कि बॉल किसी को पकड़ ना हो, कैच ना हो पाए, पूरी दिमाग लगा के मारते हैं। पढ़ाई भी ऐसी है, आप इंजॉय करेंगे तो अच्छा करेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर नहीं होता। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आप इसलिए मैं कहता हूं कि द फर्स्ट इज द स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है कि फर्स्ट इज द डिसिप्लिन। आप कैसे अपने जीवन को चलाने का सोचते हो, हमको कैसे रहना है, वो आपको निर्णय करना है। उसको कोई थोप सकता है ना, कोई आपके ऊपर डाल सकता है, ये आपको सोचना है। दूसरा क्या हैबिट कैसे है, आदतें कैसी हैं। कई बच्चे ऐसा होता है जो सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, इसके बाद आके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद फ्रेश होकर अपना कॉलेज जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। जब कॉलेज में टाइम मिला तो लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इसके बाद शाम को आके थोड़ा खेल कूद करते हैं, इसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं, घर में आके सो जाते हैं। एक हैबिट ये भी है, एक हैबिट ये है कि सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया और बस मोबाइल देख रहे। इसके बाद नहाने का टाइम मिला तो ठीक है नहा लिया, नहीं तो चले आए कॉलेज। कॉलेज में अपना टीचर के आगे टीचर क्या पढ़ा रहा उनको वो से नहीं, तो फिर आकर सोए नहीं, मोबाइल देखते थे। मेरे अस्त व्यस्त जीवन है, व्यवस्थित जीवन नहीं रखते। आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आपका दिमाग काम करेगा, आपका कॉलेज में पढ़ाई में मन लगेगा, जो टीचर पढ़ाएगा उस समय में आएगा। मुझे नहीं लगता कि संभव है, किसी के लिए भी ऐसा संभव है। तो ये चीजें मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमारे तीन पिलर हैं, टीचर, स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट। ये तीन पिलर है। मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट में आपको पहले भी बताया, लेकिन टीचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीचर के मैनेजमेंट के कांटेक्ट में बच्चे बहुत कम रहते हैं, लेकिन टीचर के कांटेक्ट में बच्चे सबसे ज्यादा रहते हैं। तो टीचर का प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत पड़ता है। कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसको रोल मॉडल मानते हैं। तो मैं अब टीचर को एड्रेस करना चाहता हूं कि उनका क्या कर्तव्य है। मैनेजमेंट ने तो अपना काम कर दिया, आपको अपॉइंट कर दिया, स्टूडेंट भर्ती भी हो गए, अब आपको पढ़ाना है तो आपको क्या करना। हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन द स्कूल टीचिंग एंड द कॉलेज टीचिंग, यूनिवर्सिटी टीचिंग। आपके पढ़ाई के स्तर में क्या परिवर्तन आए कि ऐसा लगे कि आप कॉलेज में पढ़ा रहे। क्या स्कूल जैसे ही नोट्स देंगे, ब्लैक बोर्ड में कुछ पढ़ा देंगे, वही पर्याप्त है कि उसके आगे भी कुछ है। अभी एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट चला है, सीधा आपके नॉलेज में होगा, अभी आज भी मेरे से न्यूज पेपर में आया था कि जो स्मार्ट क्लासेस है, हम लोगों ने बड़े जोर शोर से स्मार्ट क्लासेस शुरू करी। एक टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, स्मार्ट क्लासेस शुरू करी बड़े जोर शोर से, अवार्ड लगाएंगे, उसके बाद इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा, ये सब दुनिया भर की बात होगी, फिर उनको बात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करेंगे, फिर उनको दिखाएंगे। अभी अमेरिका में धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट बदल रहा है, बोले ये प्रभावी नहीं है।
बच्चों को स्क्रीन टाइम जितना आप दोगे उनकी जो थिंकिंग पावर है, इमेजिनेशन पावर है, वो घटती है। वो जो देख के आप जब लगातार 6 घंटे 8 घंटे उसी चीज को देख रहे हो या अलग अलग चीज देख रहे हो केवल, तो आपका जो थिंकिंग है उसके पर चिंतन है वो नहीं होता। वो आया स्क्रीन आया चला गया। लेकिन जब आप क्लासरूम में पढ़ती हो, टीचर समझाता है एक चीज को, ब्लैक बोर्ड में भी समझाता है, और अगर कोई चीज दिखाने वाली है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, ऐसे कोई डायग्राम से, जो पिक्चर है जिसको ड्रा करने में टाइम लगेगा और दिखाने आसान है, दिखा के समझाना आसान है, अगर इस तरीके से अगर वो आपको पढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा दिमाग में बैठेगा, ज्यादा समझ में आएगा। अब मूल उद्देश्य टीचर का ये होना चाहिए कि आप कितना बेहतर समझ सकते हो कम समय में, कितनी आसानी से टीचर पढ़ाए, कितनी सिंप्लिसिटी से पढ़ाए कि आप उसको समझ सके, और समझाने का तरीका ऐसा हो कि आपको बोरिंग ना लगे, आप इंजॉय करें पढ़ाई को। तो पढ़ाई को इंजॉय करवाना, पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने देना, इफेक्टिव टीचिंग होना चाहिए। जो 40-45 मिनट का आपका जो क्लास आवर्स है उसमें इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी आपकी शिक्षा होनी चाहिए। आपने 100% पढ़ाया लेकिन बच्चों को कम से कम 60-70% समझ जाना चाहिए, उसके लिए उसको बोलते हैं इफेक्टिव टीचिंग। अगर आप 50% से नीचे नहीं समझा पा रहे हो तो आप अच्छे टीचर नहीं है, आपकी टीचिंग प्रॉपर नहीं, इफेक्टिव नहीं है, बच्चे आपकी टीचिंग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। तो आपको विचार करना चाहिए, टीचर्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं कि आप किस तरीके से आप अपने क्लास नोट्स बनाए, किस तरीके से आप लेक्चर तैयार करें। मेरा यह मानना है कि पढ़ाने के पहले कम से कम 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे टीचर को पढ़ना चाहिए। अगर आपको क्लास लेना है तो उसके पहले आपको पढ़ के जाना। कई टीचर ऐसा देखते हैं कि वो उसको समझते हैं तो उसका काम है जी जाके पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। आपका लेक्चर प्रभावी तभी होगा जब आप पढ़ के जाएंगे, और जब पढ़ के जाएंगे तो बच्चों को आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, उनको लगेगा कि टीचर जो बता रहे हैं ये बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, उनका बताने का तरीका भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है। और जिस टीचर का नॉलेज अच्छा होता है स्टूडेंट उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसे ही है ना। तो मेरा ये कहना है कि जहां एक तरीके से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं हम लोग की यूजी पीजी एंड पीएचडी, जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स हैं। तो यूजी पीजी पीएचडी में क्या डिफरेंस है, टीचिंग में क्या डिफरेंस है। यूजी में आप पढ़ा रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, लेकिन रिसर्च नहीं होती। यूजी में रिसर्च नहीं होती, अंडर ग्रेजुएट में एक नॉलेज इस्टैब्लिश हो रहा है इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, और इसके बाद उनमें मनन चिंतन की एक आप स्टिमुलेट करते हो माइंड को कि ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, इस पर आगे हम क्या चिंतन कर सकते हैं, इमेजिनेशन क्या होता है, क्या आगे बढ़ा सकते हैं, क्या इसके परमिटेशन कमीशन क्या हो सकता है। लेकिन जब आप पीजी पीएचडी में आते हैं तो वहां रिसर्च इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो फिर आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको प्रूव करना होता है बाई वर्चू ऑफ योर रिसर्च प्रैक्टिकल्स। और यूनिवर्सिटी सिस्टम में अगर आपका रिसर्च कंपोनेंट कमजोर है तो आप ये मान के चलिए कि उस विश्वविद्यालय का नाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उस विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट्स को वो मान्यता कभी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को भी आपको नैक ग्रेडिंग हो या कुछ उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रैंकिंग नहीं मिले, इसलिए यूनिवर्सिटी सिस्टम इज मेंट फॉर रिसर्च। अब रिसर्च के क्या मायने हैं,
रिसर्च के मायने जो अभी डॉक्टर सिंह भी बोल रहे थे कि आपका चिंतन करना पढ़ने के बाद उसको मनन चिंतन इमेजिनेशन, इसको आइंस्टीन ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा। इसको आइंस्टीन ने एजुकेशन को ऐसे परिभाषित किया है, एक बार बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जा रहे थे और वहां उनको लेक्चर देना पड़ा, 1921 की बात है, और उन्होंने वहां पर लेक्चर दिया तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, सोचने की क्षमता को जागृत ट्रेन करना, ये है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। तो क्या होता, जैसे मैंने कह दिया कि आप लर्निंग ऑफ फैक्ट्स में, जैसे ये कह दिया ये टमाटर सपोज करो, टोमेटो, अब टोमेटो लाल कलर का होता है, ये पौधे में पाया जाता है, ठीक है, ये आप गार्डन में भी लगा सकते हो, बगीचे में भी लगा सकते हो, ये तब तो ठीक है, लेकिन इसकी कितनी वैरायटी है, कैसे इसको उत्पन्न करते, ब्रीडिंग कैसे होती है, ये तो चिंतन के बाद आएगा, रिसर्च के बाद आएगा ना, इसकी कौन कौन सी वैरायटी डेवलप कर सकते हैं वो रिसर्च में आए। तो ऐसे आप इसको किसी भी प्रूफ से घटा सकते हो। आप टेलीविजन देखते हो, आप टीवी देखा, पहले बड़े बॉक्स टाइप की टीवी आते थे, इसके बाद थोड़ा उससे कम आया, फ्लैट टीवी आ गया, बिल्कुल स्लिम टीवी बोलते, तो किसी ने उसको रिसर्च करके और चिंतन किया होगा कि ऐसा भी बन सकता है और बनाया। तो ये सब आता है रिसर्च से, जो भी नई नई इनोवेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, वो बिना रिसर्च के नहीं हो सकती। तो रिसर्च माइंड को, रिसर्च माइंड को बनाना, ये यूनिवर्सिटी का काम, हाउ टू स्टिमुलेट द माइंड ऑफ स्टूडेंट टू डू रिसर्च, रिसर्च के प्रति उनकी चेष्टा, उनकी इच्छा जागृत करना, ये यूनिवर्सिटी का काम। और जो पीजी लड़के पढ़ रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको आप इस लायक बनाइए कि उस पर ध्यान जाए और आप भी रिसर्च करवाइए उसे। मुझे पता नहीं आप एमएससी में यहाँ पर कितनी रिसर्च करते हैं बच्चे, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वहाँ पर रिसर्च पीजी में होती थी, और यू हैव टू सबमिट थीसिस इन दी और पीजी प्रोग्राम में, मास्टर्स प्रोग्राम, और हमारे यहाँ क्या टू ईयर्स पीजी प्रोग्राम, आप क्या टू ईयर्स पीजी प्रोग्राम है, तो हमारे यहाँ टू ईयर्स में वन ईयर कोर्स वर्क होता था, एक साल पढ़ाते थे केवल, और पढ़ाने में वही चीजें यूज होती है, रिसर्च करने के लिए आपको प्रेरित करती है। आप रिसर्च कैसे करोगे, आप लाइब्रेरी में वहां जाके एब्स्ट्रैक्टिंग कैसे करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करोगे, डिस्कशन कैसे लिखोगे, रिजल्ट्स कैसे बनाओगे, पैरामीटर क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, ये सब चीजें हम लोगों को एक साल में पढ़ाई जाती थी। और इसके बाद सेकेंड ईयर में केवल आपको रिसर्च करना, पीजी में और रिसर्च में आपको काफी आपके गाइड देते थे, उनका एक एडवाइजरी कमेटी होता है, वो मिलकर सब देते थे, और इसके बाद आपको टारगेट दे दिया कि ऑब्जेक्टिव है 3-4-5, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना बाय वर्चुअल ऑफ रिसर्च। तो एक नई चीज जो आप किताबों में कई बार नहीं होती है, नया चीज निकाल रहे, उससे आपका सोच बदलता है, चिंतन बढ़ता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। पीएचडी में तो और बड़ा डिफरेंट है, पीएचडी में 3 साल का रहता है, 1 साल आपको कोर्स वर्क करना है और 2 साल रिसर्च करना है, पर ये घर में रहकर नहीं, यू हैव टू अटेंड कॉलेज डेली, ये कॉलेज नहीं होता, लेबोरेटरी में रिसर्च लेबोरेटरी नहीं होता। तो एक डिफरेंस है जो हमारा ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में है और अन्य जो एडवांस यूनिवर्सिटीज है वहां पर है, और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमको ये सब सोचना पड़ेगा, अगर देश को एक प्रगतिशील देश से विकासशील विकसित देश बनना है भारत को, और विश्व गुरु बनना है जिसकी बात सब कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी है कि हमारी जो मैन पावर है, खासकर यंग, जो हमारे फ्यूचर देश के हमारे भविष्य है, उनकी सोच को बहुत ही करीब रिफाइन करना पड़ेगा, उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, सोच को बढ़ाना पड़ेगा, जो वर्तमान में चल रहा है उसे आगे सोचना पड़ेगा, उनमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनमें क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो आगे चल के जो चैलेंजेस उनको स्वीकार करें,
विश्व स्तर पर उनकी सोच आनी चाहिए, वही यूनिवर्सिटी का काम है। तो मैं इस तरीके से कहता हूं कि जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार बनाते हैं आप लोग सब, जो घड़ा बनाता है, तो कुम्हार क्या करता है, एक मिट्टी लाता है, मिट्टी को चाक में रखता है, घुमाता है, उसके बाद अपने हिसाब से दिया बनाएगा, घड़े बनाएगा, सुराही बनाएगा, जिस तरीके से रूप देना चाहता है। तो इसमें रूप कौन दे रहा है, जो मिट्टी को रूप मिल रहा है वो कौन दे रहा है, कुम्हार दे रहा है। तो टीचर आपके समझ लीजिए उसी तरीके से वो रोल में है, वो कुम्हार वाले रोल में है, और मिट्टी स्टूडेंट्स वो रॉ है, उनको उनको रूप दे रहा है, और जो चाक है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप यूनिवर्सिटी है वो है आपका चाक। तो जैसे आप कुम्हार रखोगे वैसे घड़ा बनेगा, उसी तरीके से उसमें क्रिएटिविटी आएगी। अगर आगे एडवांस वाला बनाना है तो अभी मैं देखा साउथ कोरिया में बड़े बड़े अच्छे इनोवेशन बनाते हैं लोग, उनके पास इलेक्ट्रिक चाक है, बड़े एडवांस है, तो उनको किस तरीके से बनाते हैं मैं देख रहा था, यूट्यूब में देख रहा था, बड़ा दिमाग लगाते। तो टीचर जितना दिमाग लगाएगा बच्चों में उतनी क्रिएटिविटी आएगी, मैंने घड़ा उतने अच्छा बनेगा। इसके बाद फिर उसको एक चीज और देखिए, उसको जो है गढ़ा जाता है, गढ़े को गढ़ा जाता है ना, नीचे से एक वो लगा के सपोर्ट लगाते और ऊपर से लकड़ी का एक रहता है उससे मारते हैं, ऐसे ऐसे मार के पूरा उसको उसको गढ़ना बोलते, ताकत देते उसको। तो टीचर के पीछे जो ऊपर से भले सख्त दिखे लेकिन अंदर से बहुत ही विनम्र कोमल होना चाहिए, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि ये डांट तो रहे हैं लेकिन इनका जो डांटने मेरे को बड़ा खराब लगा। आपकी डांट भी बच्चों को खराब ना लगे, उनको लगे कि हमारे हित के लिए डांट रहे, ऐसा जब आभास उनको होगा तो आपके प्रति उनकी जो रिस्पेक्ट है वो डबल हो जाएगी, बच्चे कभी नाराज नहीं होंगे, आपको लाइक करेंगे। तो ये टीचर का है। नाउ कम टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को मैंने पहले डिसिप्लिन बता दिया, उनकी आदतें का बता दिया, इसके बाद फिर उनको मैंने बताया कि आपकी प्रकृति क्या है, प्रकृति स्वभाव, लड़ाकू है, एडजस्ट करते हैं, एरोगेंट है, क्या करते हैं, किस तरीके से स्वभाव आपका, पढ़ते समय एरोगेंसी का कहीं कोई स्थान नहीं है। इफ यू आर इन द हायर एजुकेशन there is no place of arrogance in the colleges and universities. तो क्या करें, सबसे प्रेम से बोलो, सबसे प्रेम से रहो, एडजस्ट करो, कोऑपरेट करो, एक दूसरे की मदद करो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, समय से आओ समय से जाओ, टाइम का डिसिप्लिन का पालन करो। ये नहीं कि टीचर पहुंच गए आप देर से उठे थोड़े क्लास है आगो जल्दी से टीचर आ गए होंगे और टीचर के अलाउ कर दिया आप आइए स्वागत है आपका। नो, डिसिप्लिन टीचर का ये है कि अगर वो 5 मिनट लेट आता तो मिनट उसको डोंट अलाउ दैट स्टूडेंट टू कम इनसाइड, क्योंकि आप अलाउ नहीं करें तो वह टाइम से आया। हम लोग जब पढ़ते थे तो 12-1 बजे तक क्लास लगती थी, 1 बजने का 1 मिनट होने तक क्लास छूटती थी और 1 से 2 लंच होता था। हम लोग हॉस्टल में रहते थे और कॉलेज से हॉस्टल करीब 1 किलोमीटर दूर था, 100 किलोमीटर। 1 घंटे के टाइम में आपको हॉस्टल कॉलेज से हॉस्टल पहुंचना है, आपको वहां खाना खाना लंच लेना है और इसके बाद में 2 बजे क्लास में 2 बजे के 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले पहुंचना है। अब कई बार जहां 50-100 लड़के एक साथ खाना खा रहे होते हैं हॉस्टल में तो उसमें डिले नहीं होगा, तो जल्दी खाना खा रहे भागते हैं वहां से तेज चलते हैं, अगर आप 2 मिनट 1 मिनट डिले हो गए टीचर क्लास में अलाउ नहीं करता तो आप मायूस होकर बाहर बैठे रहते हैं, बाकी सब आपके क्लास में अंदर बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं और आप जो दुखी आत्मा अपने ऊपर ही कोस रहे होते, मैं कितना गंदा आदमी हूँ, कितना ढीला आदमी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं क्लास तक अटेंड नहीं कर सकता, ऐसी प्लान होती नहीं होती अंदर से।
अगर ग्लान नहीं होती तो होनी चाहिए। अपने आप को कोसने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो भाव आना चाहिए कि हम गलत हैं। कई लड़कों में बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हम गलत हैं, हाँ ठीक है, क्या होता है, हाँ ठीक है, हम ऐसी है, ये कौन सी बात होगी। सच्चाई को स्वीकार करने का साहस है अगर नहीं है तो फिर आप स्टूडेंट लाइफ जीवन में आप कुछ बन नहीं सकते। यू कैन नॉट बिकम एनीथिंग। असफलता आती है, हर कोई सफल नहीं होता जीवन में, एक बार सफल, दो बार सफल, लेकिन असफलताओं से सीखने के बाद उस सफलता में जो कमियां आपने रहेंगी उसको अगर सुधारना चाहिए, वो दोबारा वो गलतियां ना हो, अगर ऐसा भाव आप में आता है तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर गलतियों से कोई शिक्षा नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, गारंटेड। मेरे पास एक हमारे मित्र थे, वो दो तीन बच्चों को पढ़ाते थे ट्यूशन, वो IIT की तैयारी कर रहे थे, आज से आठ दस साल पंद्रह साल पहले की बात। तो मैं तो प्रोफेसर था, मेरा बेटा भी IIT की तैयारी कर रहा था, तो उनको लगा कि भाई ये IIT में का बेटा तैयारी कर रहा है तो ये हमारे बेटों को कुछ टिप्स देंगे, कुछ इंकरेज करेंगे। तो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब ये बच्चों को देखिए बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। समान सी बात है लेकिन एक एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, क्या एटीट्यूड होता है पढ़ने वाले बच्चे। वो तीनों बच्चों को मैंने कहा बुलाइए मैं बात करूंगा उससे। तीनों बच्चे मेरे पास आए तो फ्री स्टाइल थे वो, मतलब तीनों बच्चे अपना। तो पहले बच्चे से मैं पूछा कि बेटा तुम बनना क्या चाहते हो। बोले अंकल IIT ट्राई कर रहा हूं। मन का ट्राई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसी से करोगे बस सब कुछ। बोले हाँ उसी से कर रहा। तो मैंने कहा अगर नहीं होगा तो क्या करेगा। बोले अंकल और देख लेंगे कहीं ना, मैं कुछ और देख लेंगे। मैंने कहा अच्छा। दूसरे वाले से पूछा तू क्या कर रहा, क्या करेगा, क्या तेरा ऑब्जेक्टिव, एम क्या करेगा लाइफ का, क्या बनना चाहता। बोले अंकल मेरे को तो IIT करना है। क्या कैसे होगा, तो कठिन है वो, अगर मालूम नहीं हुआ तो क्या करेगा। बोले अंकल मैं IIT ही करूंगा और IIT ही करूंगा, होगा कैसे नहीं ये मैं श्योर करूंगा। अच्छा सो कॉन्फिडेंट। बोले हाँ अंकल मुझे करना, उसके लिए कुछ भी मेहनत करना पड़े मैं करूँ। तीसरे वाले से पूछा तेरा क्या भाई। बोले अंकल IIT में तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कठिन तो है। बोले हाँ कठिन तो बहुत है लेकिन नहीं होगा तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊंगा, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाऊंगा, उसमें भी नहीं होगा तो पॉलिटेक्निक चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो लगी जाएगा। अब तीनों बच्चों में डिफरेंस देखिए। पहला वाला कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं, मतलब फोकस नहीं है, कोशिश कर रहा हूं लेकिन सर्टेन नहीं है, उसकी कोशिश में वो एक्सपेक्टर नहीं है कि उसका हो ही जाएगा। सेकेंड नंबर का बच्चा कहता है अंकल मेरे को तो करना ही है, मैं IIT मतलब होना ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं, उसके लिए जो भी करना हो वो लड़का करेगा 100% करेगा, उसका हो जाएगा। फोकस है उसका, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, माइंड भी एकदम क्लियर है, कोई गबरिंग नहीं है, कोई दाएं बाएं नहीं है, कुछ नहीं, फोकस्ड है, उसको दिख रहा है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी वैसे दिख रहा है IIT दिख रहा। और तीसरा वाला फेवर्ड है उसको कुछ पता नहीं है, कहां जाए जहां हो जाए वहां चले जाएंगे। तो एक और लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो वो मेरे पड़ोस में रहता था, मैंने से पूछा बेटा तेरा हो गया पूरा। बोले नहीं अंकल मेरी तो बैक लग गई है। अच्छा मैं उस टाइम तक बैक समझता नहीं था, बैक क्या लगी, हम लोग का भाई तो बैक हम लोग ये चलता नहीं था। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मेरा बेटा तो पूछा, मैंने कहा यार बैक क्या होता है इंजीनियरिंग में, बैक नहीं होता। बोले पापा वो फेल हो गया इसलिए बैक लग गया। तो मैंने कहा उस गधे को फेल करने में क्या शर्म दिया, अब तीन साल से बैक ही कर रहा है। लोग तो फील ऑनर कि हमारी बैक लग गई है, बड़े खुश हो रहे। हम लोग जब पढ़ते तो फेल है उसको लोग कष्ट करते, मतलब उसके हेत से देखते थे तेरा कितना गधा है। अपने क्लासमेट से भी इज्जत नहीं पाता था, उसके पेरेंट्स भी इज्जत कर रहे हैं, हाँ हमारी बेटी की बैक लग गई है।
It's a very happy moment for us. What is मतलब क्या मुझे समझ नहीं आता कि I do not know नई जनरेशन टैलेंटेड भी बहुत है, बहुत होशियार बच्चे निकल रहे हैं, कई बच्चे बहुत अच्छा था, हम लोगों से बेहतर जनरेशन है, लेकिन मेजॉरिटी में देखता हूं कि वो फोकस्ड नहीं है। एक जुनून जो पैदा होना चाहिए कुछ करने का, एक पैशन जो आना चाहिए वो दिखेगा। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आए ये सोच के आए कि मुझे कुछ बनना है। देखो पैसा कमाने के लिए हम पढ़ने नहीं आते। पहली बात एक किसी सज्जन से पूछा हमने कि यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को आप इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा रहे हो, तो बोले साहब पैसा कमाया। तो मैंने कहा पैसा कमाने के लिए तो इंजीनियरिंग करना जरूरी है। बोले क्यों? मैंने कहा धीरू भाई हमारे कोई इंजीनियर नहीं था, आज उसके पास एम्पायर थे उसके पास, वो तो कहते हैं वहां दुबई में वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था, वो कौन सा पढ़ा लिखा। आज कंट्री का रिच पर्सन है, मुझे अंबानी का बाप की बात कर रहा हूं। एक यहां पर ये जो हमारा ये तेली बांधा जो तालाब है हम उसको मैरिन ड्राइव बोलते हैं, वहां पर एक लिट्टी चोखा वाला सुविधा है, इलाहाबाद का है, लिट्टी चोखा बेचता है वो गुप्ता है। मैंने कहा बेटा तेरा तो खूब चलता। बोले हाँ अंकल आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा कितना कमा लेता, कितना पढ़ा लेता। बोले अंकल पढ़ने मेरा मन लगता नहीं था, आठवीं तक गया, इसके बाद में धंधा शुरू कर दिया। तो मैंने धंधा यहाँ क्यों? बोले अब ऐसा है इलाहाबाद में तो बहुत सारी दुकानें हो गई, यहाँ नई चीज लिट्टी चोखा नई चीज थी। तो मैंने कहा चलो रायपुर में बोलते हैं। तो मैंने कहा कमाई कितना कर लेता। बोले अंकल बस खाने पीने के बारे में तो सही से बताते हैं, बहुत भीड़ लगी रहती है। बोले अंकल करीब 50,000 की बिक्री रोज की होती है। मैंने कहा तो झूठ बोल रहा है क्या? बोले अंकल मैं आपको कसम कह रहा हूं कि मेरी 50,000 की रोज की बिक्री है जिसमें कम से कम नहीं तो 25-30,000 का फायदा मिले। बताओ वो आठवीं थे 25,000 रोज कमा रहा है और इंजीनियरिंग करके आप 30,000 कमा लो, अगर चोरी छपारी करो तो कमाओगे, अगर ईमानदारी से करो तो नहीं कमाओ, सही हो? अरे हाँ कहो ना यार, ऐसा हो रहा है। जैसे मुझे मैं कोई न्याय भी नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में मैं पहली बार आया, लेकिन मैं भी प्रोफेसर आदमी जैसे आप टीचर बैठे हैं, मैं भी था। मेरा कहने का पर यह है कि पढ़ने के लिए पढ़ के ऐसा जो नहीं कि आप पैसा कमा पाएंगे। तो पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए? एनीबडी? एक संस्कृत में श्लोक है, आपने सबने कहा होगा, विद्या ददाति विनयम् विनयात् याति पात्रताम् पात्रताम् धनम् आप्नोति। ठीक है, धनात् धर्मम तस्सुखम्। विद्या ददाति विनयम्, विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से पात्रता माने एलिजिबिलिटी, एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आपको पैसा मिलता है, कहीं जॉब करते तो पैसा मिले। अब पैसा मिलने के बाद में क्या होता है? धर्म क्या है? पूजा पाठ धर्म नहीं है। धर्म क्या है बताओ? धर्म की परिभाषा क्या है? धार्यति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जैसे पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, ठीक है, आप राष्ट्र धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, सत्यम वद धर्मम च, ठीक है ना, इनका अहिंसा कर्मो धर्म, अहिंसा सत्य, अहिंसा दया, ठीक है, क्षमा, ये सब क्या है? ये धर्म है। तो ये सब चीज विनम्रता से जब आएगी तो ये सब चीज आएगी।
अपने धर्म के साथ में जब अर्थ मिलेगा तो फिर सुख मिलेगा। आप एक मान के चलिए कि आपके पास पैसा है और धर्म नहीं है, सत्य से हिसाब से चल रहे हो, गलत रास्ते में चल रहे हो, बेईमानी बदमाशी चापलूसी चालबोली ये सब कर रहे हो, तो उसमें आप सुख नहीं पाएंगे। ये नोट कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं सत्य और धर्म का पालन करना पड़ेगा, दयावान बनना पड़ेगा, क्षमाशील बनना पड़ेगा, लोगों को मदद करनी पड़ेगी, चैरिटी भी करनी पड़ेगी, लोगों को मदद करना पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपको सुख मिलेगा। मैं कई ऐसे धनपति मैं जिस कमरे में रहता हूँ सब अरबपति है, सबसे गरीब आदमी मैं हूँ, सही कह रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितने बिजनेस मैंने भी छापा पड़ा थे, वो कॉलोनी में छापा पड़ा था उसका ईडी का इनकम टैक्स का, तो मैं देखता हूँ सब दुखी है, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम है, किसी कैसा है, किसी को वैसा है, दवाई खा रहे हैं, किसी हार्ट चेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों ऐसा है, बोले सब पैसा तो है लेकिन सुख नहीं, और पैसे से सुख खरीद नहीं सकते आप, सुख तो आपको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, और अंदर तब मिलेगा जब दूसरों को परोपकारा है पुण्य पापा है पर पुण्य, अष्टादश पुराण से व्यास वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, उसको तुलसीदास जी लिखा है मानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और परपीडासम नहीं अतमाय, दूसरों को परोपकार करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं। अगर यही 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र इनका यही सार है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिस्ट है, तो अगर हम इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ, इसके एक तो बताते हैं एजुकेशन की एक बहुत अच्छी बात है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी है प्रिटोरिया में, उसके गेट में लिखा हुआ है, गेट में लिखा हुआ नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है, गेट में क्या लिखा है, डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट नीड एटम बम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, It only requires minimizing the standard of education and allowing students to cheat in the examination. ये है examination में cheating allow कर दो, बच्चों को नकल करने allow कर दो और अपने quality of education को lower कर दो, आप देश बर्बाद हो जाएगा, कुछ बम की जरूरत नहीं है, एटम बम की जरूरत, This is the power of education. और इसीलिए यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है, डिसिप्लिन है, एजुकेशन स्टैंडर्ड है, उसके बड़े मायने हैं। और अगर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है तो यूनिवर्सिटी को चलाने का कोई मतलब नहीं, हम चीट कर रहे हैं पब्लिक से, और जो बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता यूनिवर्सिटी में, पैसा माँ बाप का खर्च करते, आई नो हाउ मच इज डिफिकल्ट टू स्पेंड मनी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट में तो फिटिंग फीस बहुत कम है लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा है, तो पेरेंट्स कितनी मशक्कत से वो पैसा देते हैं आपको और उस पैसे से आप इंजॉय कर रहे हैं पढ़ने रहे हैं, तो आप माँ बाप का नुकसान तो कर रहे हैं, अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, टू हूम यू आर चीटिंग योरसेल्फ, मेरा ये मानना 100% मानना है। तो इसलिए आपको अगर माँ बाप का पैसा मिला है तो वो इंजॉय करने के लिए नहीं मिला, इंजॉय करना है तो आप अपनी कमाई से करो, महंगे महंगे फोन लेना है तो अपनी कमाई से करो, महंगे कपड़े पहनने हैं तो अपनी कमाई से करो। एक हमारे रिश्तेदारी है, उनका बेटा जो है वो पढ़ने मन नहीं लगता था, वो बोला तो क्या करेगा, बोले अंकल मैं तो क्रिकेट खेलने में मेरा बहुत मन लगता है, तो मन का क्रिकेट खेलने क्या बनेगा, बोले अंकल ऐसे बनने के लिए तो मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, तो लेकिन नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसके बनने के लिए आपको बड़े बड़े क्लब में जाना पड़ेगा, वो बॉम्बे जैसे शहर में पला बड़ा जहां पर क्रिकेट को पैसा है, वहां पर उनके स्कूल में है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बचपन से सीखते हैं, तुम्हारे पास छोटी जगह में तो सुविधा है नहीं,
अंकल एक चीज तो मेरे उसमें कॉमन है। मैंने कहा क्या? बोले पढ़ने में वो भी कमजोर था, पढ़ने में मैं भी। मैंने कहा व्हाट इज नॉनसेंस कोरिलेशन यार। मैंने जिसमें हमारा जुबार नहीं बन रहा तो उस पर हमने हिसाब लगा लिया कि वो पढ़ने में कमजोर था तो मैं भी इसलिए क्रिकेटर में नहीं बन सकता। ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए भी आपको जुनून चाहिए। आपको अच्छा कहीं भी बनना है आपको जुनून चाहिए। उसके पीछे लगना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भी मेहनत चाहिए। हर किसी को टॉप पे जाने के लिए मेहनत चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कल्चर हो, चाहे डिबेट हो, कुछ भी म्यूजिक हो। इसलिए मेरा बच्चों को खासकर संदेश है कि आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो ये आप भाग्यशाली हैं। बहुत कम लोग आप देखिए छत्तीसगढ़ में है जो जी आर है मात्र 21% है। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो मतलब होता है कि जो बच्चा 10+2 पास करने के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, 100 बच्चों में से केवल 21 बच्चे छत्तीसगढ़ में जाते हैं हायर एजुकेशन में, उनमें से आप हैं। तो यू आर वेरी लकी। बट अगर ये सब मौका मिलने के बाद भी अगर आप पढ़ते नहीं है, आप जस्ट अपनी प्रेजेंस को यूनिवर्सिटी में जस्टिफाई नहीं करते हैं, आप पेरेंट्स के पैसे का उपयोग सही प्रॉपर नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो और पढ़ाई की जगह में आपके दिमाग कहीं और जाता है, तो आप मान के चलिए कि आप अपने साथ अपने भविष्य के साथ में खेल रहे हैं। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू सम अप माय दिस थिंग। मैं पुनः आदरणीय सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ वन टू वन इंटरेक्ट होने के लिए और मुझे अपनी बात कहने के लिए। मुझे नहीं लगता मैंने कोई नई चीज कही है, लेकिन मेरा जो सोच है उस सोच को रेफर, डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि आप वेटरनरी साइंसेस में कुछ बोलना चाहें, तो मैंने कहा वेटरनरी साइंसेस में मैं बोलूंगा लेकिन उसको समझेगा कौन, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो लेकिन फिर भी मेरा 10 मिनट इसमें मैं टाइम दूंगा अभी आपको कि अगर किसी की कोई जिज्ञासा है जानने की वेटरनरी साइंस को प्रूव कर लो, दूध के बारे में, अंडे के बारे में, किसी और के बारे में कोई जानना चाहते हो, गोबर गोमूत्र के बारे में जानना चाहते हो, एनिमल ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो, फ्री के कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप अपनी जो भी इच्छा है जानने की उसकी पूरी करें, मैं जवाब दूंगा। और एजुकेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो उसमें भी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का आभार आपका। किसी भी शिक्षण संस्थान के दो मूलभूत आधार होते हैं, एक तो विद्यार्थी और दूसरा आचार्य, और इन दोनों आधार पर ही निर्भर करता है कि वो शिक्षण संस्थान उन्नति के की ओर अग्रसर है कि अवनति के ओर अग्रसर हो रहा है। आपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत भलीभांति समझाया हम सभी को, दोनों के कर्तव्य क्या होने चाहिए प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए, और किस तरह एक संस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है और कमियों को दूर किया जा सकता है, और ये कमियां व्यक्तिगत तौर पर भी अगर दूर होती है तो व्यक्तित्व निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ यदि एक विद्यार्थी उन नियमों का पालन करता है तो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बहुत अहम रूप से निभा सकता है। सर हम सभी के बीच हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। जिनका भी प्रश्न हो कृपया सामने आ जाएं। शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित या आपके प्रश्न जो भी आप पूछना चाहें सर से पूछ सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी किसी का भी प्रश्न हो सकता है।
सर आगे तो गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कुलश्रेष्ठ सिन्हा है, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। सर मेरा सवाल ये था, मतलब ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, सारे सभी के दिमाग में होगा, आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं जो जैसे ही स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो उनके अंदर एक बहुत सडन बिहेवियर चेंज होता है, मतलब इन शॉर्ट कहो एक शिष्टाचार और आचरण जो है आजकल के विद्यार्थियों से पूरी तरीके से गायब हो चुका है, तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें पेरेंटिंग है जिम्मेदार या फिर जो सोशल नेटवर्किंग है बच्चों का, जिससे सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो जिम्मेदार है, पेरेंटिंग जिम्मेदार है या फिर उनका मतलब कुछ तो उनमें दिक्कत आ रही है? तो बस वही सवाल था मेरा कि मतलब कहाँ समस्या कहाँ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका और इसका उत्तर तीनों जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स इस मामले में कि बच्चा का जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन जो घर है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जिस इस बच्चे जहां जब निकलते घर से, अगर पेरेंट्स ये सोचे हैं कि हम दिन भर मोबाइल चलाएं और बच्चा ना चलाए, पैसा होगा आपको अपने कार्यों से बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल में, तो आप भी मत चलाओ, ठीक है ना? तो आप सुबह जल्दी उठोगे तो बच्चा भी जल्दी उठेगा, तो ये जो हैबिट्स बनती है, नेचर बनता है, कुछ घर से ही बनता, तो गलती वहां भी है। आजकल क्या हो गया है कि बच्चों को पेरेंट्स सोचते हैं कि भैया वो अपना पढ़ रहा होगा कमरे में और पर इधर मोबाइल टीवी देख रहे हैं, गप मार रहे हैं, उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं डाइनिंग में बैठ के, चाय नाश्ता चल रही है, बच्चा कमरे में घुसा हुआ, तो वो भी सोचता है यार मैं भी पागल हूँ, जब भी आज कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, तो वो भी अपना मोबाइल बैठ के कोई चलना नहीं है। तो पहला तो वहां से गलती है। अगर आप, मैं पेरेंट्स के लिए एड्रेस कर रहा हूँ, अगर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े अच्छा और उसका जो हैबिट अच्छी बने, तो उनको खुद एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा, घर में उदाहरण खुद प्रस्तुत करें। आप सुबह उठोगे तो आपका बच्चा भी उठेगा, आप कम से कम टीवी देखो तो आप बच्चा भी, आप मोबाइल नहीं बनिएगा तो भी देगा, है ना? उसके लिए देखो डिसिप्लिन बनाओगे कि तुमको हम अलाउ करेंगे लेकिन आपको इतने देर तक के लिए, वो भी एजुकेशनल चीज आप जानना चाहते हो तो देख लो बाकी, ठीक है? अब आ जाइए आप कॉलेज में, स्कूल में। स्कूल में क्या हो गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है और सरकारी स्कूल है, दोनों अपने अपने जगह में कोई कुछ कर नहीं रहे, बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, वो अपने लिए कर रहा। सरकारी स्कूल इसलिए अपने लिए कर रहा है कि तनख्वाह मिल रही, टीचर को तो आया वो क्या चल दिया, लड़का पढ़ा कितना, ध्यान कितना दिया, कोर्स पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उनको नहीं दे रही। और कई सरकारी स्कूल में टीचर जाते नहीं, गए चले आए। अच्छा प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट हैज बिकम ए बिजनेस मॉडल, प्राइवेट स्कूल हैज बिकम ए बिजनेस मॉडल, वहां पर आपको फीस देंगे पर्याप्त, खूब सारा होमवर्क दे देंगे, किताबें इतनी कि उसकी पीठ जो है जगह नहीं इतना रखने के लिए, किताबें थोड़ा बच्चा बेचारा चुप जाता है, अब वो काटता रहता है, जाता रहता है स्कूल, जब डांट पड़ती घर में स्कूल जा, बस दिया गई गया स्कूल, और वहां पर उसका बेचारे का मन नहीं लगता तो क्या पढ़ा रहे उसको समझ नहीं आता। अच्छा अंग्रेजी माध्यम में जो भेजते हैं बच्चा है, दिन भर हिंदी घर में बोलता है, हिंदी सुनता है, माँ बाप हिंदी बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, अब अंग्रेजी माध्यम में जाएगा वहां एकदम अंग्रेजी शुरू हो जाती है, तो पहले तो उसको पिकअप करने में दिक्कत होती है। बच्चा वही बच्चा अंग्रेजी मीडियम पढ़े जिस बच्चे के माँ बाप भी घर में अंग्रेजी बोलते हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ कई बच्चे जो है ऐसे हैं जो साइकिल चलाते हैं अंग्रेजी बात करते हैं, वो बच्चे भी साथ में आठवीं में जितने पढ़ते होंगे छोटे छोटे बच्चे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखो कम से कम वो अपने फ्रेंड सर्किल में अंग्रेजी बात कर रहा है ना, वो बच्चा वहां अंग्रेजी सीखे। लेकिन जिस बच्चे को घर में ऐसा माहौल मिलेगा कि हिंदी बोलेंगे, सब बात करेंगे, काम सब हिंदी से करेंगे, वहां जाके अंग्रेजी मीडियम पढ़ाएंगे, वो बच्चा अंग्रेजी न
नागरी पूरा पढ़ पाता है, सीख पाता नहीं, नहीं कर पाता। आज गुजरा रहता उसको है ना, आज गुजरा गया तो वो भी गड़बड़ है। और वहां कोई बंदिश नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई बंदिश नहीं है। आप मोबाइल यूज करो, घूमो फिरो, चैट करो, कुछ करो, क्योंकि उनको कोई फोन को तो पैसे से मतलब है, फीस हमको मिलते हैं, टाइम से क्लासेस के मतलब। यूनिवर्सिटी में और बुरा हाल, यूनिवर्सिटी में तो बच्चों हैं हम ऐसे, मैं दिल्ली में NII में मैं पोस्ट डॉक करने का, तो देखा हॉस्टल में, वहां पर एक ही हॉस्टल में लड़का भी रहे लड़की भी रह रही बगल बगल, तो मेरे लिए तो बड़ा ही कुतूहल था ना भाई, हम लोग तो ऐसे सिस्टम से गए थे जहाँ लड़कियों को हॉस्टल अलग लड़कों पर। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, बोले नवोदया में चो, और वो तो PhD कर रहे हैं, अब उनको आप उनके विवेक पे छोड़ दिया सब। तो क्या होता है एक स्टेज तक, ये जो 10 साल से लेके और 18 साल तक की उम्र जो है, 18-20 साल तक की, ये बड़ी वल्नरेबल एज है। और इसी में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक दौर का भी आता है, उस दुनिया की समझ भी आने लगती है, तो ये बड़ा खतरनाक जगह है। तो इसलिए मैं तो तीनों को दोषी मानता हूं, और पेरेंट्स को ज्यादा नंबर एक पे पेरेंट्स। धन्यवाद। और कोई आज मैं देखता हूं कि जितने भी कहीं भी इस विश्वविद्यालय में या कहीं भी विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम होते हैं, इसमें आपके सभी बातें पारंपरिक कल्चर के रूप में ज्यादा होती है, जबकि आज पूरे विश्व में कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर आ चुकी है। तो मैं मेरा जो विचार ये है कि जो पारंपरिक कल्चर का जो जिस्ट है, सार है, वह सब संवैधानिक कल्चर में आ चुका है। संविधान कुछ नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभी विचारों का एक जिस्ट है आज का संविधान। तो हमारे विश्वविद्यालय में हो या किसी भी विश्वविद्यालय में, पारंपरिक कल्चर को बदल करके आज कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर की बात होना चाहिए। मैं बहुत सी PhD का डिवेंटुएशन में कर चुका हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर के नाम से लिखी जा चुकी है। मेरा जहां तक विचार है, मुझको तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी मार्क्स ने कहा था कि हीगल का जो सिद्धांत है, हीगल का जो मार्क्स के अनुसार हीगल का सिद्धांत सिर के बल खड़ा हुआ था, मार्क्स ने कहा था कि मैंने इसको पैर के बल से खड़ा किया। तो मेरा ये विचार है, मैं लाही का विद्यार्थी हूँ, कि कहीं भी मैं नहीं देखता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर की बात हो रही है, जबकि पूर्व सभी जो पारंपरिक कल्चर है वह सब कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर में समाहित है। मैं माननीय कुलपति जी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे विद्वजन को, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर ही को ला करके यहाँ खड़ा करेगा। बस इतना ही मेरा जानकारी ले रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर से आप मतलब अगर मुझको समय दिया जाए तो मैं आप बोलिए संक्षिप्त में कहूंगा, पारंपरिक कल्चर जो है आपके, जैसे भारत की व्यवस्था है, पारंपरिक कल्चर में भारत में आपके मान लो कि आपके शैववाद है, शाक्तवाद है, वैष्णववाद है, स्वर्गवाद है और गणपतवाद है, इन सभी का जो दृष्ट है, ये सब आपके चतुर्वर्ण व्यवस्था के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, जो सभी पांचों का आप अध्ययन कर लीजिए, पांचों का अध्ययन कर लीजिए, पांच महाभारत काल में बहुत से थे, धर्म बहुत से थे, सब नष्ट हो गए हैं, पांच बचे हुए वर्तमान में, सभी का दृष्ट है, सभी में अंतिम में पांच ही शब्द निकलते हैं, अजर अमर अविनाशी अखंड अद्वैत, और लास्ट में क्या है, सभी के द्वारा कहलाया गया है, जो पांचों व्यवस्थाएं हैं कि चतुर्वर्ण की व्यवस्था हमने किया है, मैंने किया है, शिव के द्वारा भी कहा गया है,
आपके वैष्णववाद, शाक्तवाद, सौर्यवाद, भक्तवाद सभी के द्वारा कहा गया है। जबकि इस व्यवस्था को जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के निर्माताओं ने जिस समय संविधान बनाया था दोस्तों, उन्होंने हृदय से प्रण किया था कि हम इस चातुर्य व्यवस्था को इतने पहले तथ्य में अपना रहे हैं कि ये कभी प्रण किया है आपके मतलब हमारे संविधान के निर्माताओं ने, ये किताबों में लिखा है। और आप पटेल साहब देखिए, आपको लगता है कि हम लोग पिछले वस्तु से कहीं दूर हटते चले जा रहे हैं। प्रश्न शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म और जो ट्रेडिशनल धर्म है भारतीय संस्कृति की बात। आपको आपको ऑब्जेक्शन था कि जितने भी स्पीकर आ रहे हैं कहीं न कहीं आधुनिकता की बात करते करते भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के बारे में बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म के बारे में कोई बात नहीं करते। तो पहले तो यहाँ पे अपना के विद्वान आप ही रहे, प्रोफेसर रहे हैं रविशंकर यूनिवर्सिटी में, वहां के बाद अपनी विशेषज्ञता से जो है इसको आलोकित कर रहे हैं श्री अवंता सरकार विश्वविद्यालय को। अब मान लीजिए कि सारे लोग 9 लाख के विद्यार्थी बैठे हैं, मेन नादाब क्या है, आप 2-4 शब्दों में अब ऊंची आवाज से कहेंगे तो हो सकता है कि जो आप संवाद पहुंचाना चाहते हैं हमारे पास पहुंच ना पाए। आप रहे हैं शिक्षक 40 वर्षों तक, हमारी जिंदगी में कोई ऐसा शिक्षक नहीं आ रहा जो कि राजनीतिक छोटे स्तर के राजनीतिक नेताओं की तरफ से इतनी ऊंची आवाज में अपनी बात जो है जनता के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अध्यापक की तरह से हम लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म के लोगों को बनाने के एक आपका अनुरोध है कि कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म के ज्ञाताओं को बुलाया जाए जिससे कि हम लोग उसके बारे में जान पाए। उससे बेहतर आपके कौन हो सकता है, उसका नाम बताइए। ये व्यक्ति है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म पे बहुत अच्छा बोलेंगे, इनको बनाना चाहिए इस विश्वविद्यालय के लोग बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म क्या है 2 शब्दों में बता दीजिए बस। सर संक्षिप्त में मेरा यही कहना था, जैसे भी कि सर ने परहित सर से धर्म नहीं है ना, या उसी को मैं दूसरी भाषा में बोलूं, मैं जो जानता हूँ आपके 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है जो दुख दीने जो होता है सुख दीने। तो फिर आपको भारतीय परंपरा की भारतीय परंपरा की बात करने लगे हैं जो कि सारे लोग करते रहे, आपको तो बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म क्या है। वही करने आ रहा हूँ, जैसे कि हमारे मूल कर्तव्य में दिया हुआ है, जैसा निकाल परोपकार विचार हमारे मूल कर्तव्य में दिया हुआ है कि सभी जीवों के प्रति दया और साइंटिफिक टेम्परामेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मेरा बस संक्षेप में यही था कि जो पुरानी ट्रेडिशनल बात है कि सभी जीवों के प्रति दया परोपकार, ये हमारे संविधान के मूल कर्तव्य लेकिन ये समझने की कोशिश आनी चाहिए कि भारतीय परंपरा को, सांस्कृतिक परंपरा को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में समेटा नहीं जा सकता है। भारतीय परंपराओं की कुछ भावनाओं को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जीवन को चलाने का, देश को चलाने का एक तरीका है और जीवन के चलाने में देश को चलाने का तरीका जो होगा वो भारतीय परंपरा से ही कहीं कहीं निकल करके बाहर आएगा। तो आपका कहना है, लेकिन ये कहना कि पूरी भारतीय परंपरा जिसका कि हजारों साल तक का इतिहास रहा है वो सारी परंपराएं सारा ज्ञान जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। उसके कुछ विशेष रूप में आए होंगे, वो बात सही है, एक लंबा विषय है, हम बात को उसमें डिबेट करेंगे, बुलाएंगे किसी को जब एक्सपर्ट आदमी आएगा। तो अब एक ज्ञानी आदमी के सामने ज्ञानी हम लोग बैठे रहेंगे तो क्या डिबेट करेंगे, तो ज्ञानी के सामने ज्ञानी बैठेगा तब डिबेट होगा। Anyone else? Okay, last question. हम देख उसको याद है। संक्षिप्त में हो, समझ में आए, विवेक सम्मत होना चाहिए आपका प्रश्न, ये ध्यान रखिए। सर आई एम वीरेंद्र मिश्रा, एवरीबॉडी इज कंसर्न अबाउट द डिवैल्यूएशन ऑफ एथिकल वैल्यू इन आवर सिस्टम। So, as an academician, your academician and administrator also,
So do you say and do you see any hope in near future change of this scenario? इसको मैं आइंस्टीन के तुक्के पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आइंस्टीन ने कहा था कि रिलीजन और साइंस का क्या संबंध है। रिलीजन विदाउट साइंस इज डेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड। रिलीजन और साइंस का संबंध ऐसे ही है कि आप रिसर्च करो साइंस में और आप अपने रिलीजन को छोड़ दो तो आप अंधकार में जा रहे हैं, कहीं आपका एंड होगा। ह्यूमैनिटी के ऊपर आप एक कुठाराघात करेंगे। जैसे अभी एटम बम बनाया जाए तो बड़ी अच्छी खोज किया, मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरे देश का देश बर्बाद हो जाएंगे, तो ह्यूमैनिटी के क्राइम है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये तो आपने बना दिया, साथ ही भी देखे कि ह्यूमैनिटी भी कोई चीज की नहीं, लोगों को भी जीवित रहने का हक है कि नहीं। तो ये इस तरीके से है इसका। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जो ये बात है दोनों साथ साथ चलेंगे और यही से चलेगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अभी जो देख रहे हैं ना कि आने वाले समय में ये स्पिरिचुअलिटी फिर आए, क्योंकि वो कहीं छूट नहीं सकती। अमेरिका में आप देखिए, वहां पर अमेरिका इंग्लैंड में देखिए, वहां के बच्चे सुबह उठ के वंदना करते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। अभी मैं देख रहा था अभी आराधना में कि वहां पर पूरा है वो, वहां पर संस्कृत के श्लोकों का वाचन हो रहा। तो ऐसा नहीं है, चीजें बदलती है, गोल चक्कर चलता है, देखो चलता रहता है। अभी आप देखिए पहले की तुलना में अध्यात्म का जोर ज्यादा बढ़ा है। आज से 20-25 साल पहले के देखिए और आज की देखिए, बहुत फर्क पड़ा, लोगों की सोच में फर्क पड़ा और लोग विश्व में भी समझ में आ गया है कि दिस लाइन इज बेटर देन दिस लाइन। तो आपकी बात अर्थ में आगे सही होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। हम सब एक आचार्य के रूप में और विद्यार्थी के रूप में हम सब चाहेंगे कि आज जिन बिंदुओं को हम सब ने सुना उन सभी को हम अपने जीवनचर्या में लाएं और अपने व्यवहार को उसको मोड़ कर रखें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय कुलपति महोदय एवं डॉक्टर बिराली सर से निवेदन करती हूँ कि आज के इस अवसर में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर यूके मिश्रा सर का अभिनंदन शॉल गुरु प्रसाद एवं प्रतीक चिन्ह के साथ रहे। इसी भाव के साथ कि आपका पुनः आगमन हो और इसी तरह आपके आने से हम सब विश्वविद्यालय में एक नवीन ऊर्जा का संचार पाएं और हम सब शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम सर्वोत्तम के भाव के साथ विद्यार्थी और आचार्य आगे बढ़ते चले। इसी भाव के साथ पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका अभिनंदन करता है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मेरे सर्वप्रथम माननीय कुलाधिपति महोदय परम श्रद्धेय आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन, कि उनकी प्रेरणा से हम सब नवीन विषयों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आत्मसात करने का अवसर हमें मिल रहा है। साथ ही इस विश्वविद्यालय के अग्रज के रूप में मार्गदर्शक के रूप में विराजमान माननीय कुलपति महोदय माननीय डॉक्टर बिराली सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके निर्देशन में मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और जो भी कमियां हम सब के बीच में हैं उन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से हम सब उसे पूरा करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही इस सभागार में उपस्थित संघाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, आचार्यों, पदाधिकारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम गरिमामय रूप में स्थापित हुआ और संपन्नता के साथ हम सब सीख पा रहे हैं सफल कार्यक्रम के साथ। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने भी योगदान दिया है हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हूँ। पुनः आज के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर यूके मिश्रा सर का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने
अपने अमूल्य समय से हम सभी के लिए समय निकाला और हम सभी को अपने ज्ञान से अपने अनुभव से लाभान्वित किया। आइए कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल चल तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद सर।